कुमार विश्वास के बयान पर सियासी घमासान जो है वो तेज होता जा रहा है। बीजेपी कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी पर हमला कर रही है। हमारे साथ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है अनिल जी। जिस तरीके से कुमार विश्वास का बयान आया, राहुल गांधी भी लगातार मंच के जरिए अरविंद केजरीवाल पर हमला कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल का कहना है कि सारे नेता एक साथ मिल गए हैं उनको हराने के लिए। देखिए, जिस तरह की अरविंद बातें करते हैं वैसी दोबारा दोहराइए, पिछले 7 साल से मैं सुन रहा हूँ ये मासूमियत दिखाना, इस तरह की बातें करना, गुमराह करना। लेकिन जो बात कांग्रेस और कांग्रेस के लोग बोल रहे थे, दिल्ली की जनता भी बोल रही है अभी कि अरविंद का दोहरा चरित्र है, वो बोलता कुछ है करता कुछ और है। जैसे कल मैंने बवाना का आपको हाल दिखाया, क्या स्थिति है, गरीब और दलितों के लिए जो मकान बने थे ध्वस्त हो गए। अब जो कुमार विश्वास उनके पुराने सहयोगी हैं, उनके मित्र हैं, इस पार्टी को बनाने वाले हैं, बंद कमरे में जो रणनीति बनाते थे, अरविंद कुमार विश्वास की कविता पाठ से, उनकी जुबान से कुछ अपना एजेंडा प्रोपागंडा फैलाते थे। कुमार विश्वास ने जो बात कही है, शीला जी को खासतौर से लेकर के वे फाइलें दिखाई जाती थी, डॉक्यूमेंट दिखाया जाता था, उनका विश्वास था कि हाँ भाई तो सच है। लेकिन जिस तरह की ऐसे एक दूसरे पर और आरोप लगे, लेकिन सच जब देखा उन्होंने तो कुछ और था। तो कुमार विश्वास ने जो बात कही है ये वाकई सच्चाई है। फर्क इतना है कि आज कांग्रेस पे आरोप नहीं लगा सकते, आज उनका अपना मित्र जो आज भी पार्टी का उनका कार्यकर्ता है वो बोल रहा है, तो कहीं ना कहीं इस पे जांच होनी चाहिए। बड़े गंभीर आरोप हैं। अपने सत्ता के लालच में जो व्यक्ति कुछ भी कराने के लिए तैयार हो, इस देश को छोड़ करके अपनी एक नई लाइन खींचने के लिए तैयार हो, वो कैसे व्यक्ति पंजाब के लिए ठीक हो सकता है, वो कैसे ये व्यक्ति देश के लिए ठीक हो सकता है, ये बड़ा गंभीर मामला है, इसकी जांच जरूरी है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि वो स्कूलों के लिए काम करते हैं, अस्पताल उन्होंने बनाए हैं, डेवलपमेंट किया है, सड़कें की है, और वो अगर आतंकवादी भी है तो वो एक स्वीट आतंकवादी है क्योंकि काम करते हैं लोगों के लिए। सर, ये कब तक इनका ढाल बनाएंगे स्कूलों का, कब तक ढाल बनाएंगे आप स्कूलों के नाम पे, अस्पतालों के नाम पे? सर मानी चाहिए, शीला जी ने क्या इस दिल्ली को काम नहीं दिया? परिवार माना शीला जी ने, आप कहें कि मैं स्वीट आतंकवादी हूं, शर्म आनी चाहिए। आतंकवादी भी कहते हो, स्वीट भी कहते हो, आप क्या दे रहे हैं, क्या नस्लें तैयार करेंगे आप, क्या उदाहरण दे रहे हैं? आप अपने बच्चों की झूठी कस्में तक खा सकते हो। जब आपको जवाब देना होता है तो आप इसी तरह का पैतरा अपनाते हो। आपने फिर वो एक बार सिद्ध कर दिया कि जी नहीं, मैं स्वीट आतंकवादी, यानी कि आप अपनी गलतियों पर, अपनी सबसे बड़ी जो आप पे आरोप है उन पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन सच जनता के सामने आया है, मुझे लगता है उस पर जवाब देना चाहिए। जवाब होगा जांच का, इस्तीफा दे बैठे बाहर और कहे कि जांच करो एजेंसियां। मैं तो आज अमित शाह जी और मोदी जी से कहूंगा, बाकी आप भी, दूध का दूध पानी का पानी होगा, क्या क्या आप इस पर जांच बैठाएंगे?